बात करते हैं अपने अगले कॉलर से, दिनेश जी से, जो कि उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं। तो आइए देते हैं इनके सवालों के जवाब। नमस्कार सर, मैं दिनेश बोल रहा हूँ। हेलो दिनेश जी, बात कर रहे हैं। नमस्कार सर, मैं अंशु बात कर रही हूँ ग्रीन टीवी से। हाँ धन्यवाद अंशु जी, नमस्कार जी। सर क्या जानना चाहते हैं आप, पूछे अपना सवाल। हाँ मेरा सवाल ये है कि अभी मैंने 750 पेड़ यूकेलिप्टस के लगाए हैं जी, तो मैं ये जानना चाहता हूँ कि यूकेलिप्टस के कुछ फायदे हैं और उसका डिस्टेंस कम से कम कितना होना चाहिए। दिनेश जी आपने तो लगा दिए हैं पौधे, अक्सर हम अभी मैंने पेड़ लगाए हैं वो 1 मीटर बाई 1 मीटर के डिस्टेंस से लगाए हैं। 1 मीटर बाई 1 मीटर पे? हाँ जी। ये तो बहुत सघन हो गया, क्योंकि अक्सर 3 मीटर बाई 3 मीटर पे लगाते हैं। कोई बात नहीं, अगर आपने सघन लगा लिया है तो। अब फिर आपने ये भी पूछा है कि इसमें कौन सी फसल लगाई जाए। हाँ जी। तो इतने सघन में बीच में तो जगह नहीं रहती है, और ख़ास करके जो यूकेलिप्टस का पौधा है वो ज़मीन में बहुत पानी भी खींचता है और पोषक तत्व भी बहुत खींचता है। तो ऐसे में अगर कोई दूसरी फसल होती है तो उसको नुकसान होता है, क्योंकि उसका जो पानी और खाद है वो यूकेलिप्टस अपना खींच लेता है। इसके अलावा जो यूकेलिप्टस के पत्ते गिरते हैं ज़मीन में वो हानिकारक होते हैं, क्योंकि वो गलते नहीं हैं जल्दी जैसे दूसरे पेड़ के पत्ते होते हैं। तो वो और उनमें कुछ इस तरह का पदार्थ निकलता है जो पौधों के लिए लाभकारी नहीं होता। तो अक्सर आपने देखा होगा कि यूकेलिप्टस के नीचे जो कोई खाद खेत होता है और फसल होती है वो सही नहीं होती है। जी सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमसे जुड़ने के लिए, सवाल पूछने के लिए।